और देखिए इधर पापा जी भी आ गए सुनीता को लेकर के कॉलेज से। हम कितना बोल रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी 6 बज रही है सुबह की और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आप सभी लोग पता है कि अभी नवरात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो आप सभी लोगों को हमारी पूरी परिवार की ओर से हैप्पी नवरात्रा। और अभी हम लोग सभी लोग सो के उठ गए, बाबू बस नहीं उठा है। और अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ठंडा लग रहा, उतना भी नहीं लग रहा, हल्का हल्का लग रहा ना। तो रिया जी अभी रहेंगे, बाकी भी बहुत सारा भी काम करना है, तो नीतू के साथ हम करेंगे मजे के साथ, मजा आएगा। देखिए कैसा उसका भी रिएक्ट रहेगा। तो अभी वो घर हम लोग जाएंगे, नीतू आगे निकल गई वो वाला घर में, तो वहाँ पहले लेस पोत करना है, लिपाई उपाई करना है। कोई फेस्टिवल होती है तो लिपते ही हैं गोबर से ना, तो भी चलेंगे, चांदनी भी जाएगी। देखिए बाबू अभी सोया हुआ है, ये देखिए देख रहे हैं बाबू भी सोया हुआ है। ये बाबू है पी नवरात्रा, चलिए अभी सो रहा। आप अभी बाद में निकलेगा, जब धूप निकलेगा तब चलो बेटा। हाँ और चांदनी चलते हैं वो वाला घर में है ना, वहाँ पे भी तो करना जरूरी है। देखिए चप्पल है, चप्पल पहन के निकलेगा, चलो आ जाओ आ जाओ। है कर रही है। तो इधर नानी भी इधर उठ गए सुबह सुबह, नानी भी यहीं सोए हुए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो बोल नानी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और देखिए सूर्यदेव निकले हुए हैं और काफ़ी मस्त मतलब धूप हो जाएगा थोड़ा देर बाद, तो यहीं पर नानी जी रहेंगे। हम लोग जाते हैं वो वाला घर में। चांदनी दौड़ करके जा रही है और हम लोग को भी मतलब कि आलू लगाना, तो हम लोग भी अभी दुर्गा पूजा के बाद से फिर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे मतलब हल वगैरह चलाना। उधर भी हल वगैरह लोग चला रहे हैं। देखिए बारिश से क्या धुआं उड़ रहा है, देखिए प्यारा सा है बच्चा यहाँ पे खूंटा हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा। और दोस्तों अभी लोग पहुँच गए अभी ये वाला घर में ना, लिपाई लिपाई हो रहा हो रहा हो रहा। और देखिए इधर लगे हुए मम्मी और नीतू मेरे से पहले मतलब कि पहुंच गए हैं, थोड़ा सा मतलब बाबू को ही कर रहे थे ना। देखिए इधर नीतू लग गई है अपना मतलब इधर बांस का बाढ़ीन ले लिया, जग ले लिया और यहाँ पानी मतलब कि छिड़काव कर रही है। और मम्मी मतलब हटा रहे हैं जो यहाँ ही है ना धूरा वगैरह है ना, ये काफ़ी यहाँ धूल जमा हो गया, ये धूल है ये। तो मम्मी जी अभी इधर कर रहे हैं यानी कि मेरे से पहले ही आ गए थे, और भाभी जी इधर अपना लग गए हैं ये करने में, काम करने में। सभी लोग कर रहे हैं, हम भी अपना इधर करते हैं। ये धूरा यहाँ जमा हो गया है पूरा, यहाँ मतलब पूरा भर गया था बालू, पूरा यहाँ पूरा ही बालू भर गया था। और ये देखिए इधर से जा रहे हैं दादाजी सुबह सुबह पानी लेकर के। कहाँ गलो बुला रहा है, चलिए भी जा रहे हैं अपना काम काज करेंगे। सब लोग अपना अपना काम पे जाते हैं सुबह सुबह। चलिए पानी ला करके दे रहे नीतू को, लिपते जाएंगे लो लोग, फटाफट करो लो। सुबह शाम होता खेलते रहते। आ देखिए दादी इधर से आ गए पानी लेकर, पानी लेके हाथ से टांगे नहीं पा रहे हो तो ऊपर उठा के आएगी। पानी ले जा करके देते जा रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं पूरा, अभी आंगन का भी लिखना है। चलिए इधर पानी दे रहे ताकि पानी कम ले रहे। और दोस्तों अभी होने चला हमारा यहाँ लेप लगाया हुआ, लेकिन नीतू भी इधर लेप लगा रही है, मम्मी उधर थोड़ा सा सकारे कर रहा वो उठा रहे हैं, बाकी हम पानी ला ला के देते जा रहे हैं। देखिए इतना सा लेप लगा लिए हैं, हो गया। चलिए सुबह सुबह ठंडा भाग गया ना, जो ठंडा लग रहा था पूरा हो गया लेप लगाया हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा दोस्तों आंगन, पूरा लेप लगा दिए तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा। और देखिए बच्चे लोग इधर मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह, इन लोग का ग्रुप आ चुका। ए क्या कर रहा, ये अपना माँ से ये बिछड़ गई है तो ये आवाज़ दे रही है। क्या हो रहा, क्या हो रहा यार बताओ, इन अंकड़ बंकड़ बम्बे वो क्या खेल रहा है, इस खेल का नाम क्या है। और नीतू दो रही है बाल्टी वगैरह, और मम्मी जी अभी यहाँ कुछ कुछ सामान वगैरह और आ रहे हैं ये वाला घर का। ये भी मतलब काफी अलगंजार हो गया ना ये भी घर का, क्योंकि यहाँ रहते नहीं है ना अभी, मतलब पापा बस रहते हैं रात में, क्योंकि घर को तो इसे मतलब अकेला छोड़ नहीं सकते हैं, तो पापा जी रहते हैं यहीं पे सोते हैं। देखिए ये खाटे में पापा जी सोते हैं यहाँ पे, बाकी अभी साफ सफाई कर रहे हैं मम्मी जी। अब वो वाला घर में भी साफ सफाई करना, स्कूटी हमारा यहीं पे रहता रखा हुआ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा
ले जाने में दिक्कत होती है। अब चढ़ नीचे वाला घर, इसका भी हो गया सब धोया हुआ है बाल्टी वगैरह। नीतू नीतू चांदनी किधर गई? ये सभी लोग अपना इधर काम काज में बिजे हुए अपना खेत खलिहान में। और अभी उन लोग आ गए दोस्तों, अभी सपनों का घर में, ये वाला घर में आ गए हैं। और ये घर का अभी साफ सफाई अभी करना है ना, वाला तो करके आ गए वाला घर में, अब यहाँ करेंगे। अब पता नहीं अभी तक बाबू लोग उठे कि नहीं उठे, देखना पड़ेगा। देखिए इधर चाय बन रहा दोस्तों हमारा। इधर फुआजी मतलब किचन में थे ना, अभी चले गए पानी लाने के लिए कुआं। और बाकी हमारा चावल पक चुका है, देखिए एक डेचकी चावल पक गया, ये चाय बन रहा है। नहीं तो चला रही है चाय को ना। अरे भी कब आ गई खेलने के लिए, इधर उधर जो दौड़ते रहती है दिन भर ही। क्या है काफी ठंडा हो गया। और ये देखिए दोस्तों हमारा सारा सब्जी बर्फ बन चुका है, इतना कड़ा कड़ा हो गया। देखिए धनिया का पत्ता लेकर क्या था ना, ये भी कड़ा कड़ा हो गया पूरा। देखिए ये भी पूरा कड़ा हो गया। देखिए साग भी हम लोग यहाँ पे रख दिए थे फ्रीजर में, हम लोग कमेंट कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे रख दिए थे मिस्टेक से, यहाँ पे रख दिए थे, हम लोग को शायद नीचे रखना था। देखिए यहाँ का सब्जी ठीक है, इसे अंदर ऊपर में जो हम लोग रखे थे ना वो सब खराब हो गया। खराब नहीं हुआ है मतलब पूरा जी हो गया, टाइट हो गया है। तो हम लोग को पता नहीं था क्योंकि हम लोग कभी फ्रिज यूज किए नहीं थे ना, हम लोग लगा कि पूरे फ्रिज में रखना सब्जी, इसलिए पूरा हम लोग डाल दिए। इधर कड़ा कड़ा हो गया। चलिए गलती से ही सुधार होती है, आप लोग कमेंट किए तो हमें भी समझ में आई। तब तक हम लोग चेंज भी नहीं किए क्योंकि रात हो गया था ना, तो चेंज नहीं किए। सुबह उठ के देखे सारा सब्जी हम लोग का बेकार हो गया। और हमारा चाय भी बढ़िया तरह से कम्प्लीट हो गया बन करके रिया जी के लिए। नीतू चांदनी सभी लोग पियेंगे मिल करके, क्योंकि पुआजी चढ़ा के गए हुए थे। सूर्या जी को उठाते हैं, नाश्ता उश्ता करेंगे, चाय भी पियेंगे क्योंकि उनका शरीर थोड़ा सा कमजोर हिसाब से लोग पता है, तो उतना भी नहीं मतलब हल्का हल्का, मतलब ऐसे खाना पीना भी सही से भी कर रहे हैं। तो सुबह डेली 8 बजे 9 बजे उनको उठाते हैं, सुबह सुबह ठंड थोड़ा थोड़ा लग रहा है इसीलिए। चलिए चलिए किधर है, देखिए बाबू अरे चमक उठा, बाबू चमक उठा, क्या ठंडा लग रहा है? हल्का ठंडा। चलिए उठे लीजिए, 8 बज गए, चलिए लीजिए चाय लीजिए लीजिए। धूप निकल गया, वहीं पे बैठिए आराम रहेगा, बाबू को भी सहकाइए धूप से अच्छा रहेगा। चलिए उठिए, देखिए चाय यहाँ पे रख दिए, चप्पल वगैरह पहन लीजिए, उठ जाइए। चलिए रिया जी भी उठ गए, बाहर में इधर धूप वगैरह लगाएंगे। देख रहे हैं कितना कड़ा दन धूप निकल चुका है, लेटे लेटे तो नहीं लगता। चलिए आ जाइए, देख रहे हैं कितना धूप निकल गया, ये कड़कड़ाहट धूप निकल गया। अभी तो बोली पूजा करेंगे, नहीं करेंगे। रह नहीं पाई चाय देख करके, मैं नहीं करूंगी पूजा बोल रही थी, तब बोली पूजा करेंगे, अब कह रही है पूजा नहीं करेंगे। चलो काम पे भिड़ जाओ, चलो चले काम पे हम लोग भिड़ते हैं। नीतू भी आ गई, सबसे ज्यादा काम करते है नीतू ना, नीतू नहीं करती है। सारे सामान को बाहर निकाल कर रखा है, इसमें भारी लग रहा है। चलिए सारे सामान को निकाल निकाल के यहाँ पे रख दे रहे हैं, बहुत कड़ा धूप निकल गया है। सारे सामान को निकाल के रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा साफ सफाई कर देंगे, अच्छा लगेगा। कहाँ उधर लकड़ी सब दे, चलिए सारे सामान को निकाल करके यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए इधर जो खुला जगह है यहाँ रख दिया सारे सामान को निकाल करके। इधर नीतू इधर लग गई, इधर सफाई करने में झाड़ू लगा रही है। अब पानी को हम जाके स्टार्ट करते हैं, पानी आएगा और पानी से धो देंगे, जल्दी हो जाएगा। जोता लाई हो तो पाइप को सीधा करके हम कनेक्शन भी दे दिए लाइन का, पानी भी आ गया। देखिए वो चांदनी मस्ती कर रही है पानी में, आ गया पानी तो पूरा पीढ़ा वगैरह सब साफ कर देता है, बैठने उठने के लिए मतलब कि सही होता है, पूरा साफ कर दे रहे। पहले चारों तरफ पूरा पहले पानी मार दे लेते हैं, पूरा मार दे रहे चारों तरफ पानी, और पानी पूरा आंगन में मार दिए हैं। और इधर नीतू इधर झाड़ू ले ली है, देखिए ये नीतू अभी झाड़ू मारेगी। लो 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 लो, ए चांदनी वो तो पानी आते ही वो तो लग जाती है पानी में, तो पूरा साफ कर लेते हैं अच्छे से। और वो इधर सिस्टर आ गई है बाबू को देखने के लिए, ये भी कॉलेज से आई है पढ़ करके ना, ये सुनता नहीं है सुष्मिता है। मतलब तबीयत सही नहीं है इसका। चलिए हम लोग साफ सफाई करते हैं इधर आंगन को, तो गंदा निकल रहा था, कोई गंदा जा रहा है, सब गंदा है सही। और दोस्तों बढ़िया तरह से हो गया हमारा
आंगन साफ किया हुआ, नीतू और हम मिलकर पूरा साफ कर दिए। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा ना नीतू, बोलो अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, हाँ नहीं लग रहा, पूरा साफ कर दें, कह रही अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो ठीक, अच्छा नहीं लग रहा, एक भी सामान नहीं है, इतना मेहनत करके साफ किए, कह रही अच्छा नहीं लग रहा। ए चांदनी बोलेगी बेटा अच्छा लग रहा कि नहीं? हाँ देखिए। और दोस्तों हम लोगों को पूजा करना ना नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे घर में लोग गुजरे हुए हैं, जिसे इससे पहले आप सभी लोग बताएं, तो इसे अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे और प्रसादी वगैरह चढ़ा करके बस आएंगे, है ना, हम लोगों को नहीं बनेगा, इसलिए बता दे रहे पहले ही। तो अभी हम लोग जाएंगे सामान लाने के लिए पूजा का, फिर जाएंगे चढ़ाने के लिए, हम नहीं चढ़ाएंगे तो वहां दे देंगे, वो चढ़ा देंगे हम लोग के प्रसादी। तो नहाते धोते फ्रेश होते हैं फिर चलेंगे, जाओ जाओ नहाओ नहाओ जाएंगे, जाओ मार्केट जाएंगे। कौन कौन जाएगा मार्केट? मार्केट सीधा हाथ खड़ा कर देती है। तो फटाफट नहाते हैं दोस्तों, फ्रेश होते हैं फिर चलेंगे मार्केट, सामान वामान लेकर के आएंगे पूजा का, फिर जाएंगे देने के लिए, वो चढ़ा देंगे। दोस्तों हम नहा लिए बढ़िया तरह से और सभी लोग इधर रेडी हो रहे हैं नहा करके। ये देखिए इधर चांदनी भी रेडी हो रही है और नीतू भी रेडी हो गई है। नीतू इधर रेडी होकर के इधर सो भी गई, दिखा दिखा मुंह दिखा, ए इतना आदन कैसा आदन नोट कर लिए। तो चलिए झोला दीजिए, सामान लेकर के आते हैं फिर जाएंगे चढ़ाने के लिए। झोला यहाँ पे रखा हुआ आता था पर है नहीं, तो हम चलेंगे भी मार्केट और सामान लेकर के आते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे वही करने के लिए। हाँ इधर ही करे, मैं भी जाऊंगी, भी जाएगी, चलो चलिए इधर झोला दे रहे हैं। तो चले अब मार्केट और सामान लेकर के अब आते हैं, हम अकेले जाते हैं मार्केट ना, हमारे दोस्तों मार्केट से झोला ले लिए, सामान लेकर के आते हैं फ्रूट वगैरह और जो पूजा का सामान होता है वो सब। चलिए चलते हैं सीधा यहाँ से मार्केट। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी बाजार और ये देखिए इधर फ्रूट्स का एक दुकान है, ये है पूजा वाला दुकान, तो यहाँ से ले लेते हैं सारा सामान। चला कि नहीं और दोस्तों यहाँ से पूजा का सामान ले रहे हैं, ये अगरबत्ती है और सेब किधर ये से ये सेब ये है क्या है, और ले रहे भैया अपने हिसाब से निकाल निकाल के जो जो लगेगा, तो यहाँ से ले रहे थे पूजा का सामान, सारा सामान मिल जाता है। दोस्तों घर पहुंच गए सामान लेकर के पूजा का, देखिए इधर चलो, ए किधर गए चांदनी नीतू, चलो चलो देखिए इधर निकल गए, इधर इधर से निकले, इधर भी रेडी हो गई है, चलो फटाक से प्रसाद चढ़ा करके आते हैं भाई। ले लिए चुनरी वगैरह सब ले लिए, बस हम लोग को चढ़ाने के लिए जाना, ऐसे पूजा मतलब कि नहीं बन रहा हमारे घर में, जैसे कि आदमी व्यक्ति है तेरा दादी, इसमें नहीं बन रहा खाई। अभी टाइम भी काफी होने चला, अभी 3 बजने चला, अभी तक खाए नहीं, प्रसाद दे करके ही खाएंगे। चलो 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 चलो, तो हम लोग निकल गए घर से और जा रहे हैं अभी प्रसादी चढ़ाने के लिए। चलो प्रसाद चढ़ा करके आते हैं, थोड़ा सा घुमा करके भी ले आएंगे। चलो बैठो बैठो गाड़ी में बैठो, फटाफट बैठो स्कूटी में, हम लोग का स्कूटी यहीं पे लगा हुआ रहता, देखिए यहाँ पे छाँव है ना, इसी वजह से चलो। हाँ हाँ और अभी लोग पहुंच चुके हैं गांव का, जो हमारा दुर्गा पंडाल जो बना हुआ है, दुर्गा मंदिर। तो हमारी दर्शन हो चुकी है, अब चलते हैं यहां से घर, पूजा पाठ संपन्न हो गई। चलो और सजावट काफी मस्त है ये साल, इसे पिछले साल तीन साल मतलब काफी अच्छा सजावट किया गया। तो चलते हैं सीधा हम लोग यहाँ से हम घर, और दोस्तों लोग घर पहुंच गए पूजा करके, वो देखिए आ रही नीतू पीछे पीछे, देख नीतू आ रही पीछे पीछे, चलो बेटा। अरे आते बाबू इधर गाना गा रहा है, बाबू रो रहा है, हे बाबू बाबू रो रहा है, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा तुमको यहाँ सुला के बंद कर दिया, आ आ आ आ आ, 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 आ देख रहे कितना रो रहा है। और बाबू का भी नानी जी अभी खिला रहे हैं यहाँ पे,
बैठ करके देखिए खटिया में बैठा हुआ। और देखिए इधर पापा जी भी आ गए सुनीता को लेकर के कॉलेज से, लाने के लिए गए हुए थे कॉलेज, पर आधा दूर तक गए हुए थे लाने के लिए, कहा कि पूजा पाठ करवाना था ना, मत चांदनी को ले के जाना था, और नीतू को तो हम गए हुए नहीं थे, पापा जी ही गए थे। हाँ हम कितना बोल रहे, आप लोग कमेंट करते हैं कि सुनीता प्रणाम करती है, तो हमारे इधर ये कल्चर चलता है इसी वजह से, बाकी कहीं कहीं तो ऐसा नहीं चलता है, है ना। और दोस्तों अभी दुर्गा पूजा का भी सेशन है, जिसे आपसे लोग पता है, तो छुट्टी मिला था इसलिए सुनीता आई हुई है कॉलेज से, है ना। और भी कुछ मतलब होने वाला हमारी, मतलब कि वो आप सभी लोग बताएंगे क्या है नहीं है, मतलब क्या रीजन है, क्या क्यों आई है, वो आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मतलब क्यों, मतलब कितना जल्दी आई, इसे आना नहीं था दुर्गा पूजा में, क्योंकि बहुत जल्दी आई हुई थी, आप लोग देखेंगे मतलब कुछ हमारा घर में फंक्शन वगैरह हुआ था, छोटा मोटा पार्टी उस समय आई थी, बाकी फिर इतना जल्दी आई, ऐसे भी दुर्गा पूजा था तो आना ही था, बाकी और एक कोई चीज़ होने वाला वो आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पापा जी क्यों लेकर के आए हुए हैं। चलिए हम लोग पूजा पाठ कर लें, खाना पीना हम लोग भी खाएंगे, बाकी बात भी करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द कुछ अपडेट आने वाला है, मतलब बताएंगे आप सभी लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।